आसमान और समंदर। वाओ यार, मुझे अपने आप को देख के एक चीज याद आ रही है, 5 रुपए की पेप्सी और सूरज है ना, वो हो रहा है डिप, अंदर चला गया ओशन के अंदर। चेक कर रहे हैं भाई। जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप व्यू चेक कर रहे हैं मेरे पीछे, भाई कैसा व्यू है, मतलब वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस समंदर ही समंदर है, इंडियन ओशियन है। मेरे ख्याल से अगर मैं उस तरफ जाऊँ ना सीधा तो पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे व्यूज़ हैं और आप विला चेक करें यार, मतलब ये पानी के ऊपर बना हुआ है, ये चेक कर रहे हैं, ये स्विमिंग पूल है और ये साफ साफ पानी है और नीचे फिश होंगी भाई, और ये यार आसमान और समंदर। चलो भाई अब चलते हैं नाश्ता करने, सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:30 और वो धूप निकली हुई है जी। यार मुझे अपने आप को देख के एक चीज़ याद आ रही है, 5 रुपए की पेप्सी और आपका भाई सेक्सी, लेकिन मसला ये ना पेप्सी 5 रुपए की रही है और ना मैं। यार यहाँ पे जो नेचर है ना तो फुल वाइल्ड है भाई, लगता है सुबह सुबह हम ही आए हैं और हम यहाँ पे ना ओशन के साथ करेंगे नाश्ता। भाई इधर मेन्यू शेन्यू तो बहुत वीआईपी है यार, इसमें से क्या खाया जाए यार, आई थिंक लेट्स हैव अ क्रोसॉन। ओए हाय हाय, फिलहाल तो हमने योगर्ट लिए, थोड़ा सा हेल्दी खा रहे हैं ना यार, मतलब ऐसी जगह पे हैं तो थोड़ा सा हेल्दी दिखना चाहिए, जूस शूस पी रहे हैं, ठीक है। तो ये सामने ओशन है। अच्छा ये जो है ना, ये जो बोला कि भाई है हनीमून वालों के लिए, तो पता नहीं शायद यहाँ पे भी आते हैं आज रात। ऑमलेट बनवा रहे हैं यार, क्या बनेगा। थैंक यू। यार अभी हम जा रहे हैं स्पा पे, ठीक है, उन्होंने स्पा वगैरह भी दिया हुआ है, तो चलो यार क्यों नहीं एंजॉय कर लें थोड़ा सा यार, टाइम है, थक भी गए हैं थोड़ा सा, यू नो सफ़र कर करके तो बोल रहे हैं उसका, आ जाओ आपके सारी थकान निकाल देंगे, ठीक है आ जाओ। ये आ गया भाई स्पा। ये हम भाई यहाँ पे करेंगे स्पा। A few moments later. यार जो मसाज था ना वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है, क्योंकि मैं सो गया था, मैं सोया हूँ फिर मैं आराम से कराटे मार रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब अच्छा ही था यार, कि मैं आराम से सो गया और वो काफ़ी रिलैक्सिंग भी था। तो बस अभी देखते हैं, अभी चलते हैं बीच वगैरह की साइड, थोड़ा सा इंजॉय करें पानी शानी को भी। यहाँ भाई आप देख रहे हो मैं फुल इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे नीचे पानी है और ऊपर मैं और बीच में हमारे जाली है। ओह माय गॉड, ये जाली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोई मसला नहीं है। और यार अभी मसाज के बाद है ना, कसम से उठने का मूड नहीं हो रहा है यार, तो चारों बस है ना धूप आए, धूप साइड में आ रही है, बिल्कुल धूप नहीं है, अच्छा मौसम है, आसमान साफ है और बस यही लाइफ है। हम आ गए हैं वाटर स्पोर्ट्स पे भाई, हम चाह रहे हैं यार हम ये करें कयाकिंग। यार ये हमने साइन कर दिए हैं लाइब्रेरी वेवर्स, ठीक है, हमें कुछ हो जाएगा तो भाई लोग जिम्मेदार नहीं है भाई, सिर्फ हम लोग ही हैं भाई। यार हमको तो बहुत मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही है भाई, फुल वेव चल रही है, हम तो हिल ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा सीन है यार, बहुत साफ पानी है, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यार एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन सीन ये है कि वो टू वेवी तो उसकी वजह से थोड़ी सी सी सिकनेस हो रही थी, ठीक है, क्योंकि उतना हिल रहा था ना, तो समझा करें ना आप। यार अब देखें अब हनीमून पे आए तो ये तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, वरना वो हनीमून नहीं बनेगा ना, देखो ना ये, लेकिन ये तो आपको दिखाने की वजह से फ्लश हो गया यार। वैसे यार इतना साफ पानी है यार, मुझे आप सिर्फ एक कोई दिखा दें, कोई प्लास्टिक हो, कोई गार्बेज हो, कुछ भी नहीं है यार। यहाँ पे भी विलास हैं लेकिन दे आर बीच विलास, ये ओशन विलास नहीं है यार। अभी हम चलते हैं अपने रिजॉर्ट में और फिर वहाँ पे देखते हैं कि ओशन का क्या सीन। अच्छा जो फ्लैग है ना ये हो गया है येलो, तो इसका मतलब है हम ओशन में आराम से जा सकते हैं भाई। ये देखें लोग यहाँ पे भी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, हम फिर अंदर जाके उस तरह से इंजॉय करते हैं। यार अभी आ गए हैं विलास में, तो बहुत गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो कुछ पकड़ लेते हैं यार, ये चीज़ पकड़ें, नहीं यार ये नहीं पकड़ना चाहिए, ये क्या है, ये टॉनिक वाटर तो पी सकते हैं, ये तो मसला नहीं है। तो अभी सीन ऐसा है कि मैं आप लोगों को व्यूज़ दिखाने चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसलिए अपना जो कैमरा चेंज किया, अभी मैं आ गया हूँ गोप्रो पे, ठीक है, तो सबसे पहले पूल शूल देख लेते हैं अंदर से, अगर पूल शूल में सही चलता है फिर मैं उसको ओशन में ले जाऊँगा। तो हम पहले पूल पर चलते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे नीचे।
यार इतना साफ पानी है, इतना साफ पानी आपको और नहीं मिलेगा। यार अभी हम जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि भूख लगी है, बहुत एक्टिविटीज वगैरह हो गई, ठीक है, तो अभी भूख लगी है तो हम जाएंगे खाएंगे और उसके बाद वापस आके क्या पता आराम दोबारा कर लें। ये वैसे फ्लैग भी ना अभी हो गया है लाल क्योंकि जो वेव्स है ना वो अच्छी खासी खतरनाक हो गई हैं। आ गए हैं इधर लंच करने, तो चलो देखते लंच में क्या यार आज। यार धूप इतनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। यार एक उठा दें आइसक्रीम, ठीक है ये इधर आ गया, और एक उठाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है यार। यार हमने कहा थोड़ी सी जो दाल चावल भी ट्राई कर ले, यहाँ की दाल चावल है कैसे, ठीक है। और ये भाई हमने अम्ब्रेला पकड़ लिया क्योंकि बहुत धूप है, तो यू नो सो वी डोंट गेट डिहाइड्रेटेड। आवर्स लेटर यार हमने जो खाया था ना दोपहर का खाना, उसमें पता नहीं क्या था कि ऐसी नींद आई है और हम 3 से 4 घंटे सो गए हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा सीन है कि अभी उठे हैं और सनसेट का टाइम है, ठीक है, और ऊपर से ये है सीन के हमारा जो हनीमून का है ना डिनर वो है 7 बजे, हमारे पास हैं 40-45 मिनट्स टू गेट रेडी एंड गो विद देयर। तो हम पहले वो करेंगे, उसके 1.5 घंटे के बाद अराउंड 8 o'clock वी हैव आवर स्टार गेजिंग क्रूज। अभी आसमान साफ है तो होपफुली रात को जो सितारे हैं ना हमें बहुत अच्छे देखेंगे। चेक करें यार ये जो वहाँ पे देखा, वहाँ पे जो सूरज है ना वो हो रहा है डिप, अंदर चला गया ओशन के अंदर। तो भाई फुल अंधेरा है शहर में, सब सो रहे हैं। यार हम इधर दोबारा आ गए, अब ये अच्छा हमारा ना अलग से होगा डिनर, हनीमून डिनर भाई। ओके आई थिंक ओवर देयर, या फ्रॉम हियर। चेक कर रहे हैं भाई, यार यहाँ पे ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है ना, मतलब ऐसी ट्रीटमेंट कभी मुझे अपने घर पे नहीं मिली यार। मतलब मैं तो चाह रहा हूँ मैं बस यहाँ पे रहता हूँ और कुछ ना करूँ। यार वी गॉट सर्व विद सूप फर्स्ट, बट मैं पूरा तो नहीं पीऊँगा क्योंकि और भी खाना है, ठीक है, और अब बाद में एक्टिविटी भी है तो सी सिकनेस ना हो जाए। यार हमारे पास स्टार्टर में है चिकन वियतनामीज डिश, आ गई है हमारी सी बास फिश विद सम वेजिटेबल्स, और ये है चिकन। यार ये आ गई चॉकलेट ब्राउनी और मैंगो कोकोनट पेस्ट्री, तो ये हो गया आज का डिजर्ट, उसके बाद फिर हम यहाँ से फारिग। ये यहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ, इन्होंने हमें एक और केक भी दिया है अभी हनीमून, तो बस हनीमून का डिनर यहाँ पे होता है। एंड यार अब हमारा रह गया तो स्टार्ट गेजिंग क्रूज, ठीक है, सो वी आर गोइंग ओवर देयर राइट नाउ। उस पे कुछ मेरे ख्याल से मोर देन लाइक 50 पीपल, वी आर टेकिंग 2 बोट्स, तो दो बोट्स में जाएंगे। और अच्छा जो बोट है ना इट्स ट्रेडिशनल मालदीवियन बोट, ठीक है, तो हम उसमें जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे अपने महबूब के साथ आए हैं, माशाल्लाह वाजवा सुभान अल्लाह। टू आवर्स लेटर यार हम यहाँ पे आ गए, इट्स अ बार बेरूज, लेकिन आपको पता है हम तो फिर बार पे हम कुछ पी नहीं सकते, तो हम चाय वाय पिएंगे, तो हम चाय मंगवा लिए ग्रीन टी यार, क्योंकि ग्रीन टी तो होनी चाहिए, और ये समंदर के सामने है यू नो, तो बस व्यू एंजॉय कर रहे हैं और चाय चाय पी रहे हैं। यार अभी सीन ऐसा है कि अब इधर आ गए, लेकिन यहाँ पे ना मुझे ना नीचे समंदर में कुछ देखी है फिश वगैरह, ठीक है, तो वो देखते हैं वो एग्जैक्टली हैं कौन सी, एक दो घूम रही हैं जो आसपास, क्योंकि जो छोटी फिशेज थी ना उनको शायद खाने आई हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये है टॉर्च, इसे देखते हैं थोड़ा सा लाइट मार के क्या सीन है। एक तो ये वाली है जो आपके सामने घूम रही है, समझ नहीं आ रहा यार कहाँ भाग गई, मैंने टॉर्च ऑन की निकल तो नहीं गई थी।
यार अभी हो गई है रात, ठीक है तो हो गया है सोने का टाइम। तो फिर ऐसा करते हैं कल सुबह उठते हैं दोबारा सनराइज के टाइम, ठीक है नमाज वमाज का भी टाइम कर लेंगे उस वक्त और सनराइज भी देख लेंगे किस तरह है, आपको फिर से दिखाऊंगा। ठीक है तो फिर ऐसा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके देन।